गाइज वेलकम बैक टू माय चैनल रिचेश मेहरा व्लॉग। और मैं हूँ रिचा। तो मैं मम्मी के घर से अपने घर आ चुकी हूँ क्योंकि मेरे हस्बैंड आ चुके हैं वापस। आप देख सकते हो कि आज मैं थोड़ी सी रेडी लग रही हूँ आप लोगों को, क्योंकि आज है हरेली और हरेली के बाद से हमारे सारे फेस्टिवल स्टार्ट हो जाते हैं लाइन से। हरेली फर्स्ट फेस्टिवल होता है हमारे लिए। मैं आप लोगों के साथ ये भी शेयर करने वाली हूँ आज के ब्लॉग में कि मेरे हस्बैंड बोलबम से मेरे लिए क्या क्या लेके आए हैं। तो गाइज मैं आप लोगों को मिलवा देती हूँ मेरे पति देव जी से। तो मेरे ब्लॉग में आप कुछ बोलना चाहते हैं? हाय, हैप्पी हरेली। तो गाइज मेरे हस्बैंड आप लोगों को हरेली की बहुत सारी शुभकामनाएं देना चाहते हैं, बोलिए। आप सभी को हरेली की हार्दिक हार्दिक शुभकामनाएं। तो गाइज अचानक से ही मेरे हस्बैंड आ गए थे और वो मेरे साथ मस्ती करने लगे थे, तो मैंने उनको बोला कि आप हरेली विश करो। बस मैं अभी जा रही हूँ कि मैं चाय बना लेती हूँ अपने लिए और कुछ खा लेती हूँ, क्योंकि मैंने सुबह से कुछ भी नहीं खाया है। थोड़ा सा पूजा पाठ करने में थोड़ा ज़्यादा टाइम लग गया आज मुझे। अभी बज रही है 12, तो मैं जा रही हूँ थोड़ा सा कुछ खा लेती हूँ और खाने के बाद आप लोग से मिलती हूँ। गाइस मैं आ चुकी हूँ किचन में और अब मैं बनाने वाली हूँ अपनी चाय। तो गाइज मैंने नाश्ता कर लिया है और अब मैं आप लोगों को दिखाती हूँ कि मेरे हस्बैंड मेरे लिए क्या क्या लेके आए हैं। तो ये है सारी ड्रेसेस जो मेरे हस्बैंड लेके आए हैं और मैं बहुत ज़्यादा सरप्राइज हूँ, क्योंकि बोलबम बैजनाथ धाम जो जगह है वो एक गांव के जैसे है। मुझे बिल्कुल भी एक्सपेक्टेड नहीं था कि मेरे हस्बैंड मेरे लिए कुछ लेके आएंगे वहाँ से, क्योंकि वो जनरली अगर सिटी वगैरह पे जाते हैं तो मेरे लिए हमेशा कुछ ना कुछ लेके आते हैं। बट जो इस बार लेके आए हैं वो मैं आप लोगों को दिखाती हूँ। तो गाइज़ मैं एक एक करके आप लोगों को दिखाती हूँ कि मेरे हस्बैंड क्या क्या लेके आए हैं। तो ड्रेसेस से स्टार्ट करते हैं। तो फर्स्ट ड्रेस है ये कुर्ता। ये है कुर्ता जो कि आप देख सकते हो, इसका कलर बहुत ही ज़्यादा सुंदर है। ये इस तरीके से है इसकी स्लीव्स और ये देखो, और इसके नीचे में भी लगी हुई है गोटा पट्टी आप देख सकते हो। तो फर्स्ट कुर्ता मेरा कुछ इस तरीके से है। ये है सेकंड कुर्ता, तो सेकंड कुर्ता भी उसी तरीके से है बट इसका कलर और प्रिंट थोड़ा सा चेंज है। तो ये सिंपल सी स्लीव्स है 3/4 और ये कुर्ता है, सिंपल सा ही कुर्ता है बट बहुत ही ज़्यादा प्यारा कलर है इसका। देख सकते हो कि ये कलर कितना ज़्यादा सुंदर लग रहा है। की बात करें तो ये कुछ बहुत ही सिंपल सा कुर्ता है, ये प्योर कॉटन है, इसका मटेरियल बहुत ही ज़्यादा अच्छा है और आप देख सकते हो ये चेक चेक प्रिंट का है। तो ये इसका यूज़ मैं डेली यूज़ में बहुत अच्छे से कर सकती हूँ, तो मुझे ये कुर्ता बहुत ही अच्छा लगा। गाइस जो फोर्थ कुर्ता है वो मेरा सबसे फेवरेट कुर्ता है, क्योंकि ये मुझे बहुत ही ज़्यादा प्यारा लगा। आप भी बताइए कि आपको प्यारा लगा कि नहीं। गाइस आप भी देखिए, ये है मेरा फोर्थ कुर्ता जो कि एक मल्टी कलर का है। आप देख सकते हो इसकी स्लीव्स, इसका मटेरियल भी बहुत सॉफ्ट है और ये कुछ इस तरीके से है। ये वाला कुर्ता मुझे बहुत ही ज्यादा प्यारा लगा क्योंकि ये मल्टी कलर का है और पहनने के बाद भी इतना प्यारा लग रहा है ये कुर्ता, तो ये तो मेरा फेवरेट हो गया है। फिफ्थ कुर्ता है ये, इसका कलर पिच कलर टाइप से है और इसमें कुछ चुनरी प्रिंट बनी हुई है और ये कुर्ता कुछ इस पैटर्न में है। ये लास्ट कुर्ता है, तो इसके भी नीचे इस तरीके से बना हुआ है और ये भी कुर्ता पहनने के बाद बहुत ही सुंदर लग रहा है। पता नहीं कि वीडियो पे कैसा आ रहा है बट इसका रियल कलर पिच कलर है, वीडियो पे लाइट आ रहा है बट ये थोड़ा सा डार्क है। और इन कुर्तों के साथ लेके आए हैं मेरे हस्बैंड ये येलो कलर का प्लाजो, जो कि मुझे बिल्कुल नहीं लग रहा था कि मेरे हस्बैंड लेके आएंगे मेरे लिए। तो ये लेके आए हैं प्लाजो और इसका भी मटेरियल बहुत ज़्यादा अच्छा है और बहुत ही ज़्यादा कंफर्टेबल है और साइज़ भी इतनी परफेक्ट है। आप देख सकते हो कि पूरा सिंपल प्लाजो है बट यहाँ पर ये नेट जैसा कुछ बना हुआ है, फिटिंग भी बहुत ज़्यादा अच्छी है। तो ये है येलो कलर का प्लाजो और लेके आए हैं एक सेम
ब्लैक कलर का प्लाजो जिसपे भी सेम डिजाइन है, देख सकते हो आप नीचे में कि सेम डिजाइन बनी हुई है प्लाजो पे और सेम साइज है और बहुत ही ज्यादा स्ट्रेचेबल है, कॉटन मटेरियल है, बहुत ही ज्यादा कंफर्टेबल है। मेरे हस्बैंड ने कुर्तों से मैचिंग करते हुए दो प्लाजो सिलेक्ट किए, येलो एंड ब्लैक। तो गाइस प्लाजो के बाद बात करते हैं दुपट्टों की, तो वो मेरे लिए दुपट्टा भी लेके आए हैं। और फर्स्ट दुपट्टा है ब्लैक, उन्होंने ब्लैक कलर का प्लाजो लिया मेरे लिए, तो ब्लैक कलर का आप देख सकते हो कितना प्यारा सा दुपट्टा लिया है मेरे लिए, ये कुछ इस तरीके से है, बहुत ही ज्यादा प्यारा है। और सेकंड दुपट्टा वो लेके आए हैं, वो उन्हें शायद येलो नहीं मिला तो वो ऑरेंज टाइप से लेके आए हैं, आप देख सकते हो कि ये ना आप येलो में भी बोल सकते हो, ऑरेंज में भी बोल सकते हो, तो ये भी बहुत ही सुंदर सा दुपट्टा है, बहुत ही प्यारा लगा मुझे। वो सावन में पहनने के लिए तो मेरे पास बहुत सारे ड्रेसेस आ गए, और जब आपको कोई चीज का पता नहीं होता और आपको सरप्राइज मिलता है वो भी इतना सारा, तो बहुत ही ज्यादा खुशी होती है, बहुत ही ज्यादा एक्साइटमेंट होती है। तो मेरे साथ भी वही हुआ कि मेरे हस्बैंड ने मुझे बिल्कुल भी नहीं बताया था कि वो मेरे लिए क्या क्या लेके आ रहे हैं, और जब वो लेके आए उन्होंने मुझे एक एक करके दिया, तो मैं बहुत ही ज्यादा सरप्राइज हो गई। और गाइज इतना ही नहीं, अभी और भी कुछ है, मैं आपको दिखाती हूँ। वो मेरे लिए लेके आए हैं ये क्यूट सा स्लीपर बोल सकते हो आप, चप्पल बोल सकते हो, और ये रबड़ वाली है, आप देख सकते हो कि बहुत ज्यादा फोल्ड हो रही है, बहुत ही स्ट्रेचेबल है, बहुत ही ज्यादा क्यूट लगा। और सबसे मेन कि ये मेरी साइज की है और परफेक्ट साइज है, तो मैं इसे आसानी से यूज कर सकती हूँ। और उन्होंने मेरे लिए जब ड्रेस लिया, मेरे लिए चप्पल ली, तो चूड़ी तो बनती ही थी, तो वो मेरे लिए लेके आए हैं चूड़ियाँ, मैं आपको पहन के दिखाती हूँ। तो फर्स्ट चूड़ी मेरी ये है, आप देख सकते हो कि कितनी ज्यादा अच्छी लग रही, हाथों पे डाल के दिखाती हूँ। तो ये भी मेरी साइज की ही है, एक हाथ पे पहन लेती हूँ क्योंकि दूसरी भी मैं आप लोगों को पहन के दिखाऊंगी। तो आप देख सकते हो कि बहुत ही ज्यादा आसानी से चली गई है, बहुत ही ज्यादा परफेक्ट साइज है, और देख सकते हो कि कैसी है। ये है मेरी सेकंड चूड़ी, ये बहुत ही ज्यादा प्यारी है, मैं आपको पहन के दिखाती हूँ। बट इसके साथ ना एक परेशानी हो गई है, इसके साथ परेशानी ये हो गई है कि बहुत ही ज्यादा क्यूट है, बहुत ही सुंदर है, एक चूड़ी है ना वो मिसिंग है। और मेरे हस्बैंड आप जानते ही हो कि जो लेडीज अगर शॉपिंग करती है तो वो एक एक चीज देख के लेती है, बट उन्होंने ये देखा नहीं तो उनको शायद समझ भी नहीं आया होगा, तो एक ये वाली चूड़ी मिसिंग है, तो इसका सेट जो है वो इनकम्प्लीट हो गया। और यही सबसे ज्यादा प्यारा है, आप देख सकते हो कितना ज्यादा सुंदर लग रहा है, आप देखो कि मेरी चूड़ियां कैसी लग रही है। और गाइस इतना ही नहीं, अभी एक चीज और बची हुई है, ये मेरा लास्ट है, ये मेरा पर्स, आप देख सकते हो क्योंकि ये भी कितना ज्यादा क्यूट है। तो गाइस इस पर्स में मुझे बहुत सारे स्पेस मिल रहे हैं क्योंकि ये फर्स्ट चेन का है और उसमें सेकंड चेन भी है, तो आप देख सकते हो कि इसमें आराम से मेरा मोबाइल और भी मुझे कुछ रखना है तो वो आसानी से आ जाएगा। और इसका कलर भी आप देख सकते हो बहुत ही ज्यादा क्यूट लग रहा है, छोटा सा पर्स। तो गाइज ये थी मेरी हस्बैंड की शॉपिंग मेरे लिए, और आप देख सकते हो कि दुपट्टा कितना प्यारा लग रहा है। तो गाइज आप लोग प्लीज मुझे बताना कि आप लोगों को मेरे हस्बैंड की शॉपिंग और उनकी चॉइस कैसी लगी है, सारे कुर्ते, प्लाजो, दुपट्टा, चप्पल और चूड़ियाँ, पर्स, ये सारी चीजें आप लोगों को कैसी लगी, आप लोग प्लीज मुझे बताना। और आप लोग बताना कि ये कलर मुझ पर सूट हो रहा है कि नहीं हो रहा है, मुझे तो बहुत ही ज्यादा प्यारा लग रहा है। देख सकते हो कि मैंने ये कुर्ती जो आप लोगों को दिखाई थी उनमें से एक पहनी हुई है, क्योंकि मैं सारी कुर्तियां पहन के अपना जो शॉर्ट चैनल है उस पर अपलोड करने वाली हूँ। बस मैं चेंज कर लेती हूँ फिर आप लोग से मिलती हूँ। गाइस कर लिया है मैंने चेंज, और जो भी मैंने यहाँ पे कबाड़ किया है अब मुझे उसे ठीक करना है। तो गाइस आप देख सकते हो कि मैंने क्या कबाड़ किया हुआ है, तो बस इसे मैं जल्दी से समेट लेती हूँ। तो मैंने यहाँ पे सारी चीज़ें फोल्ड करके रख दी है, बस इसे पॉलीथिन में डाल के मैं अच्छे से रख दूंगी। तो गाइज यहाँ पे मैंने सारी चीज़ें रख दी है अपनी जगह पे, वो ये रूम हो चुका है पूरा खाली। तो गाइज यहाँ पे मैंने किया हुआ था शूट अपनी ड्रेस का,
तो यहाँ पे रखी हुई है मेरी रिंग लाइट, तो इसे भी मैं अपने जगह पे रख के आ जाती हूँ। इस बार बार कुर्तियाँ चेंज करते करते हो गए मेरे बाल पूरे खराब, तो मैं जा रही हूँ, मैं बाल बांध लेती हूँ और खाना बनाने का भी टाइम हो रहा है। थोड़ी ही देर में मेरे हस्बैंड के आने का टाइम हो जाएगा, तो इसलिए मैं जल्दी जल्दी से खाना बना लेती हूँ, उसके बाद आप लोग से मिलती हूँ। तो गाइस अभी शाम हो रही है, शाम को 5 बजने वाले हैं और मौसम बहुत ही ज़्यादा ख़राब हो चुका है, अब कभी भी बारिश हो सकती है। तो आप देख सकते हो कि बादल पूरे बन चुके हैं, अब बारिश होने ही वाली है। रैली वाले दिन हम सब लोगों के दरवाजे के पास नीम पत्ते लगाने के लिए आते हैं, तो मैं आपको दिखाती हूँ कि सबके दरवाजे के पास लगे हुए हैं नीम पत्ते। सबसे पहले ये हमारा दरवाजा, तो यहाँ पे लगा हुआ है नीम पत्ता। आप देख सकते हो कि नीचे के वो वाले गेट में और वहाँ पर भी लगा हुआ है नीम पत्ता। फाइनली गाइस धीरे धीरे बारिश होनी स्टार्ट हो चुकी है। तो गाइस हो चुकी है बारिश स्टार्ट। बादल की आवाज सुन सकते हो आप। तो गाइस अभी बाहर बारिश हो रही है और हम जा रहे हैं गरम गरम समोसे लेने के लिए। बंद होने वाली है। गाइस आज का ब्लॉग मैं यहीं पे एंड करती हूँ। लाइक कमेंट शेयर एंड सब्सक्राइब टू माय यूट्यूब चैनल विच इज रितेश मेहरा ब्लॉग। करके ब्लॉग में मिलते हैं। बाय गाइस।